जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां चल रहे हैं, बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, लद्दाख की कई विशेषता है, उन विशेषताओं को हमें संभालना भी है, संवारना भी है। और जैसे सिक्किम ने हमारे नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम ने अपनी एक ऑर्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख, ले करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेह लद्दाख, करगिल, जम्मू कश्मीर, एक क्षेत्र, एक प्रकार से इस क्षेत्र को एक वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है, एक साल पूरा हो चुका है। ये एक साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल रहा है। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेजेस जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना को बेहतरीन तरीके से आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की सच्ची ताकत हमारी चुनी हुई स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके वहीं के सभी पंच सरपंचों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए।